नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माहेश्वर सूत्र के बारे में जानेंगे। माहेश्वर सूत्र संस्कृत का आधार माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पाणिनी की आराधना से खुश होकर स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया और उस डमरू से निकले हुए जो ध्वनियाँ थी वही माहेश्वर सूत्र के रूप में जानी जाती हैं, जिनको बाद में पाणिनी ने संस्कृत के नियमों का आधार बनाया। आइए देखते हैं। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं 14, ये संस्कृत का मूल आधार होते हैं। इसमें पहला है आ ई उ ळ, आई उड़ र ल र क, फिर तीसरा ए ओ अंग, इनको साथ में बोला जाता है ए ओ अच, ह य व र ट, लड़ यम यंग रम नम, ई झ ई भज घ ढ ध स। इसी प्रकार ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन सूत्रों में पूरी वर्णमाला दी है। पूरी वर्णमाला किस तरह से दी है? इसके जो पहले 4 सूत्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें 9 स्वरों को समाहित किया गया है। ये स्वर है आ ई उ र र ए ओ ए औ। ये 9 स्वर माहेश्वर सूत्र के पहले 4 सूत्रों में दिया गया है। उसके बाद 5वें सूत्र से लेके 14वें सूत्र तक व्यंजन की बात की गई है, जो संस्कृत वर्णमाला का आधार है। उसके बाद में पूरी वर्णमाला इन्हीं माहेश्वर सूत्रों में दी गई है। इसमें एक बात और ध्यान करने लायक है कि जब हम इन वर्णों की संज्ञा प्रत्याहार के रूप में करते हैं तो इसका जो हलंत वाला अंतिम वर्ण होता है इसकी गणना नहीं की जा सकती है। दोस्तों, माहेश्वर सूत्र यहाँ बताने का मतलब हमारा मात्र इतना था कि इससे हम प्रत्याहार के बारे में जानेंगे और प्रत्याहार हमें संस्कृत की संधियों के लिए उपयोगी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर माहेश्वर सूत्र का छोटा सा विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये जानना ज़रूरी है। इसमें कई माहेश्वर सूत्र से भी परीक्षाओं में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी एक प्रश्न मैंने देखा था, उसमें ये पूछा गया था कि ये जोड़ा है माहेश्वर सूत्र, कितने माहेश्वर सूत्रों के अंत में ळा वर्ण आता है? तो 1, 2 सूत्रों के अंत में। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी परीक्षाओं में उठा दिए जाते हैं, इसलिए माहेश्वर सूत्र की संक्षिप्त जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद में हम आते हैं प्रत्याहार पर। प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, बड़ी चीज़ को संक्षेप में कहना। संस्कृत में 42 प्रत्याहार माने जाते हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये संख्याएं अक्सर परीक्षाओं में पूछ दी जाती हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। प्रत्याहार कैसे बनाते हैं? प्रत्याहार बनाने के लिए हम जो प्रथम अक्षर सूत्र में जहां मिले उसको लेते हैं और अंतिम अक्षर सूत्र के अंत में ढूंढते हैं। जैसे हमें अच प्रत्याहार देखना है तो आ हमको यहाँ मिल गया, उसके बाद में च कहाँ है? ये आ है और ये च, तो इसके बीच में जितने वर्ण पड़ेंगे, जितने भी वर्ण पड़ेंगे वो सब अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। मतलब आ ई ऊ ळा री ऋ क ए ओ अं, ये सब अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होंगे। इसी तरह से संस्कृत में 42 प्रत्याहार होते हैं, जो ये लास्ट हलंत वाले हैं वर्ण, इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। इनका प्रयोग सिर्फ हम प्रत्याहार बनाने के लिए तो जैसे करते हैं, लेकिन उसके अलावा इनका प्रयोग नहीं किया जाता है।
दोस्तों ये जानकारी मुझे आगे आपको संधि समझानी और संस्कृति संधियों को समझने के लिए प्रत्याहार और प्रत्याहार को समझने के लिए माहेश्वर सूत्र की थोड़ी बहुत जानकारी आवश्यक थी, इसलिए मैंने आज के वीडियो में आपको माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार की संक्षिप्त बता दिया है, ताकि जब आपको आगे संधियां संस्कृत की बताई जाएं तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों आपको हमारा ये चैनल सक्सेस मंत्रा कैसा लग रहा है हमको ज़रूर बताइएगा, हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये जो मैं अब बता रही हूँ ये सिर्फ टीटी के पर्पस से नहीं, आने वाले टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। जैसा कि देखा जा रहा है कि अब हर परीक्षा अपना पैटर्न थोड़ा सा परीक्षाओं का चेंज हो रहा है, परीक्षाएं टफ हो रही हैं, तो अब पिछले पेपर्स के अलावा उससे बेहतर तैयारी हमें इस बार परीक्षाओं के लिए करनी होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को थोड़ा ज़्यादा गहराई से जानने की आवश्यकता होगी, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल्स देखते रहिए। टेट की परीक्षाओं के बाद हम पीजीटी के वीडियोस भी आपको उपलब्ध कराएंगे, टीजीटी के भी। तो अगर हमारा आपको हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।